अस्सलाम वालेकुम दुनिया का आखिरी स्मार्ट का फिर आपके सामने हाजिर है। आज जो है यार वो भतीजी की बर्थडे भी है और रखी का भी है और उसके अलावा एक और सरप्राइज है। तो अभी मैं उठाऊँ, मैं जस्ट अभी उठाऊँ क्योंकि वो जो सजाने वाले होते हैं प्लानर वो हायर किए हुए थे तो वो आ गए। तो उनकी कॉल आई, उन्होंने मुझे कॉल करके उठाया और बड़ा मनहूस चेहरा लग रहा होगा। अभी अभी मैं सो के उठाऊँ तो चले फिर वहाँ वो खड़े हुए हॉल के पास, तो मैं वहाँ जाता हूँ और स्टार्ट करते हैं ये ब्लॉग को। तो वेट करें, मैं वहाँ पहुँच के बात करता हूँ। हाँ जी, तो मैं आ गया हूँ हॉल के अंदर और ये अभी जो है पूरा सेटअप हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। और ये भाई जो आ गए हैं ये पूरा बर्थडे प्लानर है, ये सेटअप लगा रहे हैं। तो अभी जो है हम लोग सेटअप लगवा रहे हैं और ये हमारे साबिर भाई भी आ गए हैं, ये आज के फोटोग्राफर हैं हमारे इवेंट के। और ये सारा अभी बन रहा है तो अभी बनते हुए भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अपना पूरा ये सजेगा। अभी तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है और ये अभी सब ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो चलें फिर, थोड़ा सा वेट करें तो आपको एक माहौल ही अलग दिखाते हैं। हाँ जी, तो ये है कि अभी जो है सेटअप हो रहा है हल्के हल्के, ये इतना तो लग चुका है और अभी ये टेबलिंग वगैरह लग रही है। तो अभी जो है वो बलून वगैरह लगाए जा रहे हैं तो आपको मैं बलून का भी दिखा दूँ। मैं बड़ा हैरत में आ गया ये देख के। तो ये देखें, ये है भाई बलून की मशीन, बड़ी हैवी मशीन है और ये भाई बलून फुला रहे हैं। तो ये है कि चल रहा है सेटअप, अभी लग रहा है तो अभी और भी लगा के दिखाते हैं आपको। ये पूरा देख रहे हैं आप, तो चलें फिर अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हाँ जी, तो ये है कि सेटअप लग चुका है, ये आप देख लें, ये पूरा सेटअप हो चुका है। ये आवाज़ से थोड़ा सा जो है वो नीचे आ गया है तो इसको भी जो है बाद में सेट कर देंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो अभी चलें, ये तो सारा हो गया तो अब जो है वो मैं जाऊँ, अब थोड़ा मैं भी शेप वेप करवाऊँ, थोड़ा सा तैयार हैं क्योंकि भतीजी की पहली बर्थडे है और हकीका है। तो चलें फिर जो है अब चलते हैं और उसके बाद जो है वो आपसे हम बात करते हैं। तो आ जाए फिर, अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हाँ जी, तो मैं जो हॉल से आ गया था, मैं घर में घुस से बाहर निकल गया क्योंकि मुझे जाना है वापसी शेफ भाई के पास। ये कामरन भाई को मैं लेके जा रहा हूँ अब। तो चले जो है अभी हम जा रहे हैं शेफ भाई के पास, वहाँ जाके फिर देखते हैं क्या सीन है, फिर उसके बाद बात करते हैं। हाँ जी, तो ये है कि आपका भाई स्मार्ट हो चुका है, देख लें आप। और अभी मैं तैयार हो चुका हूँ, शेफ वेफ करवा लिया क्योंकि दो तीन काम थे, उसमें ब्लॉग नहीं कर पाया मैं, डायरेक्ट अब तैयार होने के बाद ब्लॉग कर रहा हूँ। तो ये है कि कामरान भाई जा रहे हैं केक लेके हमारे भाई के साथ, तो ये जा रहे हैं अभी। तो चले हैं, ये है कि मैं तैयार हो गया हूँ, ये भी पहुँच रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका कोई भी इवेंट हो, या बर्थडे का हो या शादी का हो, तो बर्थडे इवेंट प्लानर कराची जो है बड़ा अच्छा काम करती है, बड़ी अच्छी सर्विस जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। तो ये है कि आप एक बार ज़रूर उनका फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो है वो पेज विज़िट करें। तो चलें, अभी जो फ़िलहाल है कि मैं रेडी हो चुका हूँ तो अभी चलते हैं और वहाँ के मंज़र देखते हैं कि क्या है। तो आ जाए फिर, चलते हैं। हाँ जी, तो मैं हो गया था रेडी, मैं निकल रहा था और ये अब आया, ये देखिए इसकी हरकत है, और यहाँ आके तैयार हो रहा है, ये घर से तैयार नहीं होकर आया था। सामने में मिट्टी वाले होगा, बल्दी है, बल्दी कहाँ, गांव कौन से गांव में घर ले लिया। ये तो बेटा अपनी बाजी को बोलो जाके। तो चले, ये अभी ये है कि थोड़ा सा फ्रेश हो जाए फिर मैं निकलता हूँ, फिर हॉल पर जाके डायरेक्ट बात करता हूँ। हाँ जी, तो अपना मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे सारा माहौल सज चुका है। तो अभी जो है माहौल सज गया है, मैं लेट हो गया क्योंकि मेरे घर की तकरीब में ही लेट हो गया। ये देखे, ये सारा माहौल सज चुका है। तो चले जो है अभी मैं करता हूँ, तो बाद में आपसे बात करता हूँ, मैं थोड़ा सा अपना सेटअप देख लूँ। हाँ जी, अभी जो है केक कट रहा है, ये बिलाल भाई काट रहे हैं वापसी। हाँ, ये बिलाल भाई की भी सालगिरह बना रहे हैं। ये था ये केक,
और जो है अभी बन गया था, मैं लेट आया और कट चुका था, तो ये वापसी काट रहे हैं बिलाल भाई, ये अफलान भाई बिलाल भाई दोनों काट रहे हैं। चले अभी जो है मैं लेट हो गया, मैं खाना वाना खा रहा हूँ, ये बटने का दिखा रहे तो ये केक कट रहा, तो चले अब जो है खाना वाने का सीन है वो करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। और ये अफलान भाई की सालगिरह हो रही है, ये अफलान भाई फिर केक काट रहे हैं, ये देखे एक ही केक में सबकी बर्थडे हम बना रहे हैं, इतना बड़ा केक आ गया कि एक ही में सबकी बर्थडे बनाए जा रहे हैं हम लोग, तो ये अफलान भाई का केक कट गया। हाँ ये बिलाल भाई जो है ये दिखा रहे हैं, तो ये देख लें आप ये केक कट गया, तो अभी जो है एक ही केक में सबकी बर्थडे हो रही है, बाकी का सीन है फिर उसके बाद मिलते हैं। हाँ जी, तो आपको मिलाते हैं हम रेमो डिसोजा से, ये रेमो डिसोजा भी आए हैं हमारे पास, ये देखें आप, ये हमारे भाई के दोस्त हैं इमरान भाई, और ये रेमो डिसोजा के छोटे भाई हैं, इंडिया से इंपोर्ट हुई है, चाइना का माल आए भाई है, हाँ इमरान डिसोजा। तो अभी जो है इमरान भाई खाना खा रहे हैं, लिफाफा दे नहीं रहे, खाना खा रहे हैं, हरकतें देखें आप, ये झूठ बोल रहे हैं 2000 का लिफाफा, एक लिफाफे में निकल रहे 200 रुपये, खाएंगे ये 3000 का, ये देखें आप बिरयानी की प्लेट चेक करें आप, अभी तो और आइटम खाएंगे ये, ओह देख रहे हैं आप फरमाइशी प्रोग्राम 200 में, तो चले अभी जो है माहौल देखते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं। हाँ जी, तो अभी ये जो है बिलाल भाई और खाना खाने बैठ गए, अच्छा सर ओके सर, सर आप भी खाए जो है खाना खाने हम भी बैठ रहे हैं, ये देख लें ये बिरयानी और ये मीठा पड़ा हुआ है, और ये फुरकान भाई खा चुके हैं इतने, ये खा लिया इन्होंने खुलते ही, क्योंकि इनको लग रही थी भूख, ये घर से खा के नहीं आए थे, तो फुरकान भाई ने जो है फ़ौरन खा लिया इतने, इनको यार क्या बोलें अभी, तो खाने को इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए भाई, भाई खाने को इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए पर बंदों का इंतज़ार करना चाहिए, बताओ ये बहलोल अली भी खाना खा रहे हैं, देखिए इनकी हरकत है, तो चले जो है अभी हम खाना खा लें फिर उसके बाद बात करते हैं। हाँ जी, तो हमने जो है वो खाना खा लिया और बिलाल भाई का ख़त्म नहीं हुआ अभी तक, ये देखें आप, ये कॉपीराइट वाले चाचू हैं हमारी भतीजी के, असल चाचू हम ही हैं कॉपीराइट वाले, तो ये चाचू के नाम पे दबा के मंगा लिया, ये देखें आप कितना सारा मंगा लिया, तो ये है कि अभी खाना हमने खा लिया है, तो अभी चले जो है थोड़ा सा सेटअप देख लेते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं, क्योंकि इवेंट जो है वो एंड पे है, तो चले फिर बात करते हैं। हाँ जी, तो हमारे साथ है अभी अशाम भाई, और ये देख रहे आप माशाल्लाह से इतना तैयार होके आए, बर्थडे का प्रोग्राम या वली में कहीं ड्रेसिंग करके आए, और आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, एक और चीज़ आपको दिखाते हैं, ये दिखाएं, ये देखें भाई ने आईफोन लिया, मैं नहीं बताऊंगा, भाई ने आईफोन लिया है नया 11 प्रो, भाई भाई की टशा नहीं कर रही, हो रे यहाँ पे लगा के दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये देखे अब ये देखे, ये आईफोन पकड़ा हुआ हाथ में ही है, गजब बेइज्जती है, ये देखे तो भाई ये देख रहे अब यार, बस ये अभी क्या बोले, तो चले फिर ये कि अभी इवेंट के आपको तस्वीर दिखाते हैं, सबने खाना खा लिया, हल्के हल्के निकल लें, बर्थडे भी हो गए, हाँ बर्थडे भी हो गए, अब लिफाफे थोड़े कलेक्ट कर लूँ उसके बाद फिर बात करते हैं। हाँ जी, तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैं इस पूरे इवेंट में एक बंदे को भूल गया, और उसकी मोहब्बत है कि वो आ गया, ये देखें आप बिलावल काजी, और ये भाई के पाँव में बंधा हुआ है प्लास्टर, तो बिलावल काजी आ गए शहबाज भाई की मोहब्बत में, शहबाज भाई के पक्के दोस्त ही है, तो ये आ गए बिलावल काजी प्लास्टर वाला पाँव लेके, तो बिलावल काजी ने कहा कि यार मैं गिफ्ट देने वहाँ नहीं जाऊँगा, बच्ची को यहाँ ही ले आओ, तो अभी शहबाज भाई यहाँ ले आएंगे और ये उसको गिफ्ट देंगे, तो ये है अपना अरे बिलावल काजी साहब, तो इनके व्लॉग का हमें इंतज़ार है बेसब्री से, इनके व्लॉग्स पता नहीं कब आएंगे बिलावल भाई, बहुत जल्द आएंगे भाई, बहुत जल्द आने वाले हैं, कमिंग सून है, ये सलमान खान की बड़ी फिल्म है कमिंग सून है, तो इंशाल्लाह अभी बिलावल काजी के लिए दुआ करेंगे इसका पेड़ जो है जल्द से जल्द सही हो जाए, तो फिर हम भी जो है तस्वीरें खिंचवा लें फिर बात करते हैं। हाँ जी, तो ये जो है खाना वाना हो गया, इवेंट हो गया ख़त्म, और अब ये हमारी बच्चियाँ जा रही हैं खा पी के घर,
तो ये है कि अभी ये घर जा रही है, खा पी लिया, एक लिफाफा लीजिए और एक गिफ्ट लीजिए मुझे। और माँ सफदर की फैन है भाई, माँ सफदर देख रहे हैं आप, घर के बंदों को छोड़ के बाहर के बंदों के फैन हो। ये है कि भाई माँ से इंशाल्लाह इनको अनकरीब में मीट करवाने वाला हूँ, तो फिर इंशाल्लाह माँ से भी बात होगी और माँ को बोलूँगा कि भाई तुमने हमारा हक मार लिया है, हमारे घर के बंदों को भी तुमने अपना फैन बना लिया है। तो चले, ये है कि अभी इवेंट वगैरह ख़त्म हो गया, घर जाएंगे फिर उसके बाद बात करेंगे। हाँ जी, तो हम लोग घर आ गए और सरप्राइज़ जो था वो ये था, ये देखें आप, सिल्वर प्ले बटन मेरे फादर के चैनल का, सिकंदर सनम ऑफिशियल का। तो ये जो है हमें मिल गया है, मेरे फादर के चैनल का ही है, सिकंदर सनम ऑफिशियल का। तो अब इंशाल्लाह अनकरीब जो है मेरे चैनल का भी आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मिलेगा। तो ये देख लें आप, इस पे नाम भी लिखा हुआ है पूरा, ये देख सकते हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है मेरे भाई को सपोर्ट करो, ये सर्टिफिकेट सभी सनम के लिए भी आना चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं। बिल्कुल सपोर्ट करो, हमारा भाई मेहनत करता है, इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। तो ये थे हमारे अफगान भाई, इनकी खबरें हो गई ख़त्म। तो चले, अब जो है ये प्ले बटन था और उसके अलावा बर्थडे थी, तो बस यही था एक आज का छोटा सा ब्लॉग। तो अभी जो है अभी एक इवेंट में जा रहे हैं हम, तो अभी इवेंट में हमें थक गया, अब मेरी हिम्मत है कि मैं वहाँ इवेंट में ब्लॉग करूँ। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तो थोड़ा यहाँ शोर हो रहा है, थोड़ी देर बाद एंड करता हूँ फिर मैं। हाँ जी, तो ये था एक छोटा सा ब्लॉग हमारा, घर में जो था वो एक बर्थडे का प्रोग्राम था, वो जो था बाहर हाइल किया था, और फिर ये सारा इवेंट ख़त्म होने के बाद मैं और भाई जो है वो हम इवेंट में गए हुए थे, एक फंक्शन था तो वहाँ गए हुए थे, वहाँ से अब आए। तो अब मैं ये ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, और हमारा जो इवेंट में सेटअप लगा हुआ था स्टेज का, तो वो बड़ा अच्छा लगा हुआ था, बर्थडे इवेंट प्लानर कराची का था, तो बड़ा अच्छा उन लोगों ने जो है सेटअप करा था। तो बस यही था, अगर आपको भी अपनी बर्थडे का या शादी वगैरह की कोई तकरीब करवानी हो तो बर्थडे इवेंट प्लानर कराची तो बेस्ट है। कराची फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे इनका पेज है, तो आप वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से भी आप जो है हायर करवा सकते हैं। तो चलें फिर, यही था एक छोटा सा व्लॉग, अच्छा लगा हो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि भाई के अभी जो है वो सिल्वर बटन आ जाए। तो चलें फिर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और ये व्हाट्सएप पर मैसेज आया है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।